गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने उद्योग भाग 3 पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उद्योग भाग 4। उद्योगों के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसमें हमने पहले लौह इस्पात के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग के लिए। बच्चे, लौह इस्पात के बारे में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने जमशेदपुर के बारे में पढ़ा था, जो की भारत में स्थित है। एक जगह और है संयुक्त राज्य अमेरिका में, जिसको की किशनगंज कहा जाता है। किशनगंज संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। इस पर किशनगंज इस्पात उद्योग को स्थानीय सुविधाएं उपलब्ध है, यहाँ कच्चा माल भी मिल जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर लोहे की खाने भी स्थित है, तो इसलिए क्या है, किशनगंज भी एक महत्वपूर्ण स्थान है जहाँ पर लोहे इस्पात उद्योग को महत्वपूर्ण योगदान है। किसका? लोहे इस्पात उद्योग के लिए किशनगंज का। और साथ ही साथ पिटसनगढ़ रोड का बड़ी इस बात के लिए मील पिटसनगढ़ के ऊपर हो गया एंगली नदी की घाटियों तथा पिटसनगढ़ के नीचे कोहियो नदी के सहारे स्थित है। परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों के द्वारा बाजार में भेजा जाता है। यहाँ का जो माल है वो बाजार में दोनों मार्गों से भेजा जाता है, जल मार्ग से भी भेजा जाता है और स्थल मार्ग से भी भेजा जाता है। अब हम आगे पढ़ने जा रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन कला है। ये तो आप ही जानते हैं कि जो धागे से हम क्या करते हैं, कपड़े की बुनाई करते हैं, वो प्राचीन कला कहलाती है। धागे से कपड़े की बुनाई करना एक प्राचीन कला है, एक प्राचीन कला है। कपास ऊन सिल्क जूट कपास ऊन सिल्क और जूट, ठीक है। कपास ऊन सिल्क और जूट ये जो होती है ये, और पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है, और पटसन का उपयोग इसमें होता है वस्त्र निर्माण में। वस्त्र निर्माण में होता है। तो कपास का, ऊन का, सिल्क का, जूट का और पटसन का, इन चीजों का उपयोग हम क्या करते हैं, वस्त्रों के निर्माण में करते हैं। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर क्या किया जाता है, उद्योगों का, वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। वस्त्र उद्योग का क्या किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है। और रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है, जो रेशे होते हैं वो वस्त्र उद्योग के कच्चे माल कहलाते हैं। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल
वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। और जो ये रेशे होते हैं बच्चों, ये प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। रेशे प्राकृतिक तथा मानव निर्मित प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो रेशे होते हैं वो कैसे हो सकते हैं कि प्राकृतिक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित भी हो सकते हैं, दोनों के द्वारा ही हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे जैसे कि ऊन, सिल्क, जूट, कपास, पर्सन, ये सब क्या है? प्राकृतिक रेशे। कैसे रेशे हैं? प्राकृतिक रेशे हैं। और जो मानव निर्मित रेशे हैं जैसे कि नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक और रेयॉन, ये सब कैसे हैं? मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे, और जो मानव ने बनाए हैं वो मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं। तो दोनों प्रकार के रेशों से हम क्या कर सकते हैं? वस्त्रों का निर्माण कर सकते हैं। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। क्या है? जो सूती वस्त्र उद्योग है वो विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक माना जाता है। प्राचीन काल में सूती वस्त्र उद्योग को काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ाया गया था और सूती जो सूती वस्त्र उद्योग है विश्व का उद्योग भी माना जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। प्राचीनतम उद्योगों में से एक है और साथ ही साथ 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति का 18वीं सदी की औद्योगिक क्रांति का औद्योगिक क्रांति का क्रांति तक क्रांति तक क्रांति तक नहीं क्रांति तक सूती वस्त्र उद्योग हस्त कताई सूती वस्त्र उद्योग हस्त कताई हाथ से कताई हस्त कटाई यानी कि हाथ से कटाई करके और तकनीकों एवं हथकरघों से तकनीकों तथा हस्तकरघों से हस्तकरघों से बनाया जाता था मतलब सूती जो वस्त्र होते थे 18वीं सदी की क्रांति के बाद में हस्त कताई तकनीकों और हस्तकरघों से बनाया जाता था। और 18वीं सदी में पावर लूम में पहले ब्रिटेन में 18वीं सदी में पावर लूम की जगह का नाम है। ठीक है, पावर लूम में सबसे पहले ब्रिटेन में और बाद में
और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में विश्व के अन्य दूसरे भागों में अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया आगे बढ़ाया सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। 18वीं सदी में पावर लूम ने सबसे पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। उसके बाद में देखेंगे आज भारत, चीन, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक है। सूती वस्त्र के महत्वपूर्ण उत्पादक भारत है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, जापान है। यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग चीन है महत्वपूर्ण उत्पादक। भारत में अत्यंत गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने का गौरवपूर्ण परंपरा रही है। जो भारत देश है वहाँ पर अच्छी सूती वस्त्र बनाने की क्या रही है, अच्छे सूती वस्त्र यानी अच्छी गुणवत्ता वाले सूती वस्त्र बनाने की क्या रही है बच्चों, परंपरा रही है। जो भारत देश है वहाँ पर सूती वस्त्र अच्छी गुणवत्ता का बनाया जाता है। और ब्रिटिश शासन से पूर्व हाथ से कत्ते और हाथ से बुने हुए वस्त्र की भारतीय बहुत बड़ा भारतीय बाजार, यानी हाथ से बुने हुए और हाथ से कटे हुए जो वस्त्र होते थे वो भारत में बनते थे और भारत में इसका बहुत बड़ा बाजार भी था जब हमारे यहाँ पर अंग्रेजों का शासन नहीं था उससे पहले, ठीक है। और दामा का मलमल और मसूरी पट्टन की चीज पानी करके तेलुगु और सूरत और बड़ौदा के सुनहरी तरीके काम वाली सूती वस्त्र बहुत ही गुणवत्ता लिए हुए थे। यानी यहाँ पर जो ढाका की मलमल होती थी वो भी बहुत अच्छी थी और मनुष्य पट्टन की छीट काली कट्टी कोकिलो ये सब चीजें जो लिए जो वस्त्र थे बहुत ज्यादा यूरोप में जो भारत के बाजार में बिकती थी, मतलब यूरोप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यूरोप में इन चीजों की मतलब इन वस्त्रों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, बहुत ज्यादा मांग थी। क्यों थी? क्योंकि भारत में अच्छी गुणवत्ता वाला वस्त्र तैयार होता था और विश्व लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में समय भी अधिक लगता था। क्योंकि हाथ से बनाते थे, हथकरघा बनाते थे तो समय भी अधिक लगता था और महंगा भी होता था, क्योंकि जितना अधिक सामान लगता था उतना तो हथकरघा सोचते थे कि हमें उसका मूल्य भी मिलना चाहिए, इसलिए क्या होता था महंगा भी होता था और समय भी लगता था। लेकिन परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों की प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। जो पश्चिम के जो वस्त्र उद्योग थे उनकी क्या नहीं कर सका, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका, क्योंकि वहां पर जो वस्त्र थे वो मशीनों से बनाए जाते थे जबकि हमारे यहाँ जो वस्त्र बनते थे वो हाथों से बनाए जाते थे, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सका। और जो सस्ते में अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण यंत्रीकृत औद्योगिक प्रयोगों से करते थे, मैंने बताया आपको मशीनों के द्वारा किया जाता था। सूती वस्त्रों का जो जो वहाँ पर वस्त्र बनाए जाते थे वो मशीनों से बनाए जाते थे जबकि भारत में जो वस्त्र बनाए जाते थे वो हाथों से बनाए जाते थे। अब आगे हम इसी में कंटिन्यू करते पड़ेंगे। पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र मिल 1854 में स्थापित की गई, कहाँ पर, मुंबई में। सबसे पहले जो मिल स्थापित की गई थी सूती वस्त्र की वो कहाँ की गई थी, मुंबई में की गई, ठीक है, मुंबई में की गई थी। और देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था। कहाँ हुआ था, फोर्ट गैलेस्टर में स्थापित हुआ था 1818 में। तो देखो बच्चों में पहली सफल यंत्रीकृत वस्त्र यंत्रों के द्वारा यंत्रीकृत यानी यंत्र के माध्यम से यंत्रीकृत मुंबई में
मुंबई में सन 1854 में स्थापित की गई थी। 1854 में स्थापित की गई थी। सबसे पहले यहाँ पर यंत्रिकृत मील लगाई गई थी, कहाँ पर? मुंबई में, ताकि यंत्रों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से नहीं, यंत्रों के माध्यम से क्या कर सके, वस्त्रों का निर्माण कर सके। उष्ण आर्द्र जलवायु वस्त्रों के लिए जो चाहिए होती है, जलवायु कौन सी होती है? उष्ण आर्द्र जलवायु जलवायु होनी चाहिए। मशीन आयात के लिए बर्तन, मशीन आयात के लिए क्या होना चाहिए? बर्तन, कच्चे माल की उपलब्धता, कच्चे माल की उपलब्धता होनी चाहिए, और दक्ष श्रमिक, दक्ष श्रमिक मतलब इस कार्य में कैसे अच्छे श्रमिक होने चाहिए, दक्ष श्रमिक होने चाहिए, और इस प्रदेश में, इस उद्योग के, इस प्रदेश में, इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। द्रुत यानी जल्दी से, द्रुत फैलाव में सहायक रहा। यहाँ पर ये सब चीजें थी, इसलिए क्या हो गया, ये उद्योग जल्दी से फैल गया। जो जो चीजें इसमें चाहिए थी वो सब चीजें यहाँ पर मौजूद थी। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यों में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा। सबसे पहले ये महाराष्ट्र और गुजरात में इसलिए पनपा क्योंकि वहां की जो जलवायु थी कैसी थी, आर्द्र थी, जो कि वस्त्रों को बनाने के लिए क्या होती है, चाहिए होती है, ताकि वहां पर क्या कर सके, वस्त्रों को बनाने के लिए कपास की खेती कर, कच्चा माल जिससे प्राप्त हो सके, इसलिए वहां की जलवायु ऐसी थी जहां से क्या है, कच्चा माल अधिक मात्रा में हम प्राप्त कर सकते थे। और लेकिन वर्तमान में आर्द्रता कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो आर्द्रता है कृत्रिम रूप से भी पैदा कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो जैसा जहाँ का मौसम होता था, जितनी आर्द्रता होती थी उसी आर्द्रता पर फसल उगती थी, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, हम आर्द्रता को भी पैदा कर सकते हैं कृत्रिमता के माध्यम से। इसलिए वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इतना वजन कम नहीं होता, इसलिए ये उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गए, जैसे कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो गया, ये उद्योग फैल गया क्योंकि अब जलवायु की जो व्यवस्था की बात रही नहीं, क्योंकि हम कृत्रिम क्या कर सकते थे, जलवायु भी पैदा कर सकते थे, इसलिए इन राज्यों में भी क्या हुआ, ये उद्योग फैल गया। और मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पांडिचेरी, पानीपत, कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र भी यहाँ पे बढ़ गए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अहमदाबाद के बारे में, जो सूती वस्त्र उद्योगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है वस्त्रों के लिए, तो हम अहमदाबाद के बारे में पढ़ेंगे। अहमदाबाद नाम आप सब लोगों ने सुना होगा बच्चों इस जगह का, ठीक है। अहमदाबाद, अहमदाबाद गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में साबरमती के तट पर साबरमती के तट पर स्थित है।
ठीक है, साबरमती के तट पर स्थित है अहमदाबाद। और 1859 में, 59 में, ठीक है, यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई, यहाँ पहली सूती मिल स्थापित की गई, पहली सूती मिल स्थापित की गई, ठीक है, तो अहमदाबाद में की गई। यह यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा, यह यथा शीघ्र ही मुंबई के बाद भारत का दूसरा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया, सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता शहर बन गया, शहर बन गया, सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता क्या बन गया, शहर बन गया, कौन सा, अहमदाबाद। इसके बाद मुंबई के बाद भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को भारत का क्या कहा जाता है, मैनचेस्टर, अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पर क्या है बच्चों, वस्त्र अधिक मात्रा में बनते हैं, ठीक है, और वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक है, यहाँ की जो स्थितियां हैं कारक है वो वस्त्र निर्माण में क्या है, बहुत ज्यादा सहायक है, उसको क्या माना जाता है, यहाँ की जो स्थिति है, यहाँ की जो जलवायु है वो क्या कर सकती है, वस्त्रों के निर्माण करने में सहायक है। अहमदाबाद कपास उत्पन्न करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थिति है, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, ठीक है, और जलवायु भी कैसी रहती है, आर्द्र रहती है, ताकि कपास आसानी से उग सके। जलवायु कटाई और बुनाई के लिए आदर्श है, सपाट भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना करने में भी सहायक है, यहाँ की जो भूमि है वो कैसी है बच्चों, सपाट है, ठीक है, स्थिर है, तो यहाँ पर आसानी से मिले क्या हो सकती है, स्थापित हो सकती है, उबड़ खाबड़ भूमि नहीं है, और साथ ही साथ श्रमिक उपलब्ध कराते हैं, कुशल और अर्ध कुशल भी, यहाँ पर जो यहाँ की आबादी है कहाँ की, महाराष्ट्र गुजरात की, यहाँ से क्या होते हैं हमको कुशल और अकुशल श्रमिक भी प्राप्त होते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, कपड़े बनवा सकते हैं, मिलों में काम कर सकते हैं, कपास के खेतों में काम कर सकते हैं, कच्चा माल प्राप्त कर सकते हैं और मेहनत भी करते हैं। रेल मार्गों का जाल है, ठीक है, और सूती वस्त्र देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद भी करता है, इस तरह इसी बाजार का सरल पहुंच उपलब्ध है, आसानी से क्या है, यहाँ पर क्या आपने देखा महाराष्ट्र में और अहमदाबाद में क्या है, रेलों का जाल भी है, तो एक जगह से दूसरी जगह तक आपके जो वस्त्र है वो जा भी सकते हैं, जाल है, तो ये वस्त्र क्या करते हैं, जब ये वस्त्र पहुंच जाते हैं एक से लेकर और उनको बाजार भी अच्छा उपलब्ध हो जाता है, तो हमारे पास निवेश भी अच्छा होता है अहमदाबाद और कहाँ पर, महाराष्ट्र में कपड़ों के लिए, और हमारे पास कपड़ा भी अच्छा है और हमारे पास निर्गत भी अच्छा है, तो तीनों चीजें जब अच्छी है तो यहाँ पर क्या होता है, अच्छे से यहाँ पर वस्त्रों का उत्पादन होता है। नजदीक में मुंबई कटक से मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा भी प्रदान करता है, मशीनें प्राप्त हो जाती है और आसानी से क्या होता है, निर्यात करने की सुविधा भी हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुजरात के अहमदाबाद की बिल्कुल पास में क्या है, मुंबई भी है, तो इसलिए क्या होता है कि इनको पास होने के कारण सब चीजें आसान, परंतु हाल ही के वर्षों में अहमदाबाद की सूती मिलों में कुछ समस्याएं आई थी,
वहाँ की जो वस्त्र की मिले हैं वो कई बंद भी हो चुकी है। कई मिले क्या हो चुकी है बच्चों, बंद भी हो चुकी है। अहमदाबाद की कई वस्त्र मिले हैं जो बंद हो चुकी है। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास, अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका मुख्य कारण है। मतलब अहमदाबाद में क्या हो रहा है, जो वस्त्रों का निर्माण हो रहा है वो पुरानी मशीनों से ही हो रहा है। वहाँ की मशीनों का क्या नहीं हुआ है, नवीनीकरण नहीं हुआ है, इसलिए वहाँ पर क्या आ रही है, वस्त्रों को उत्पादन करने में परेशानी आ रही है। क्योंकि अब नई नई तकनीकी चल रही है, नई नई प्रकार से वस्त्रों को प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर क्या आ गई है, कई वस्त्र मिले बंद हो चुकी है। तो हमने ये अहमदाबाद के बारे में पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे ओसाका। ओसाका जापान में है बेटा। ओसाका कहाँ पर है, जापान में, और ये भी वस्त्रों के लिए वस्त्र निर्माण का केंद्र माना जाता है। जापान में ओसाका वस्त्र निर्माण का केंद्र माना जाता है। तो हम ओसाका के बारे में देखेंगे। जैसे हमने देखा था ना लोहा इस्पात में जमशेदपुर और पिटसनवर, वैसे ही भारत में महाराष्ट्र और गुजरात, और उसके बाद में मतलब अहमदाबाद के बारे में पढ़ा, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओसाका। कहाँ पर है, जापान में। ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। ओसाका जापान का एक वस्त्र निर्माण केंद्र जापान का ओसाका वो कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है मैनचेस्टर के नाम से भी इसको, जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारणों से हुआ। कई भौगोलिक कारणों से हुआ। ओसाका में जो वस्त्र उद्योग का विकास हुआ वो कई भौगोलिक कारणों से हुआ, कई भौगोलिक कारणों से हुआ। और ओसाका के चारों ओर का मैदान सूती वस्त्र मिलों के लिए, ओसाका का मैदान सूती वस्त्र निर्माण के लिए, सूती वस्त्र निर्माण आसानी से भूमि भूमि प्राप्त करवाना करवाता है। ठीक है, आसानी से क्या प्राप्त हो जाती है, भूमि प्राप्त हो जाती है। और पोषण आदि जलवायु कटाई या बुनाई के लिए बहुत ही उपयुक्त है। पोषण जलवायु जो होती है वो कटाई और बुनाई के लिए क्या होती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कटाई बुनाई आसानी से हो सकती है। और योंडो नदी, योंडो नदी नीलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। योंडो नदी है जापान में, नीलों को
आसानी से जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, यहाँ की जो योनो नदी है वो आसानी से जल उपलब्ध करवाती है। ठीक है, और श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पत्तन की अवस्थिति कच्चे कपास के आयात करने और वस्त्रों के निर्यात की सुविधा भी उपलब्ध करवाती है। यानी यहाँ पर वस्त्रों का निर्यात भी आसानी से हो सकता है और सारी सुविधाएं है। कच्चा माल ओसाका का वस्त्र उद्योग पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। मतलब यहाँ पर जो माल होता है वो आयात होता है उसके ऊपर निर्भर है। ओसाका का जो वस्त्र उद्योग है वो यहाँ पर आयात होता है, कच्चा माल उसके ऊपर निर्भर है। ठीक है, और कपास मिश्र भारत चीन और यूएसए के आयात की जाती है। तो यहाँ पर जो कपास मंगाई जाती है ओसाका में वो भारत से मंगाई जाती है, यूएसए से मंगाई जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ में यहाँ पर चीन से भी मंगाई जाती है, मिश्र से भी मंगाई जाती है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि यह देश का एक महत्वपूर्ण उद्योग है लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योगों ने भी ले लिया है। सबसे ज्यादा ओसाका में पहले सूती उद्योग हुआ करते थे लेकिन अब क्या होने लगे, अन्य उद्योगों ने भी यहाँ का स्थान ले लिया, जैसे कि लौह इस्पात मशीनरी जहाज बनाने के कारखाने बन गए यहाँ पर कापर जापान के ओसाका में। ठीक है, और ऑटोमोबाइल विद्युत उपकरण सीमेंट ये लेके जा रहे हैं। तो क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कच्चा माल क्या होता है आयात होता है यानी कि मंगवाना पड़ता है, इसलिए कच्चा माल मंगवाने के कारण ये क्या है, ये उद्योग थोड़ा कम होता जा रहा है। और जबकि अन्य उद्योग है जैसे ऑटोमोबाइल उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ठीक है, और लौह इस्पात उद्योग है, ये ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो बच्चों हमने उद्योगों के बारे में पढ़ा, उद्योगों के प्रकार पढ़े, उद्योगों के वर्गीकरण पढ़े, फिर हमने लौह इस्पात के बारे में पढ़ा कि वहाँ किस प्रकार से इसके कारखाने बने। उसके बाद में हमने जो पुराने उद्योग थे भारत के विश्व के जो महत्वपूर्ण उद्योग थे, एक तो लौह इस्पात उद्योग और सूती वस्त्र में जो सबसे पहले बने थे उनके बारे में आज हमने इसमें पढ़ा। तो हमारे जो चारों भाग है वो पूरे हो चुके हैं उद्योग के, आपको इन चारों भागों को पढ़ना है, इसके प्रश्न उत्तर आपको करवा दिए जाएंगे। फिर अगर आपको उसमें कोई समझ में नहीं आता कोई भी चीज़ तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।